सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं धीरज वर्मा, चलिए करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आज मैं बाढ़ बाजार वैष्णो धाम मंदिर में आया हुआ हूँ और दशहरा का समय है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी, थोड़ा सा कैमरा इधर करिए दोस्तों, हमारे भाई सबको दिखाइए, थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रौनक की सजावट है इसे दशहरा को लेकर। और इधर देखिए, माँ दुर्गा की जो हमारे भारत की माता है उनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित है, तो जो हर साल दशहरा में यहाँ पे मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। और यहाँ हमारे एक भैया हैं जो माता की सेवा में हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं दिन रात। तो चलिए बताऊँगा इस दशहरा के बारे में और करेंगे इन भैया से कुछ बातें, तो बने रहिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आगे तक। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे एक भैया छूट चुके हैं जो माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ पे उनकी सेवा में अभी यहाँ लगे हुए हैं। चलिए करते हैं भैया से कुछ बातें और बताएंगे माँ दुर्गा के बारे में। तो और यहाँ हर साल आपका है यहाँ रहता है, और तो कैसा लग रहा है हमारे यहाँ पे माता की सेवा कर पा रहा हूँ और रहने वाला है यहाँ का डेकोरेशन लग रहा था। आज अष्टमी हो गया, दशमी को माता का विसर्जन है, कल नवमी है, नवमी के दिन अष्टमी होता है, क्या बोलता है हमारी कन्या जमाया जाता है और दशमी को माता का बिदाई है। तो हम लोग को 10 दिन माता के स्थान पे रह करके सेवा करके बहुत खुशी मिली, मन को आत्मा को खुशी मिली। तो यहाँ नवमी को मतलब कि भंडारे का आयोजन किया जाता है, कन्या कुमारी को जमाया जाता है। सुबह में 9 बजे कन्याकुमारी जमाया गया। और भी यहाँ पे देख सकते हैं, इधर हमारे साथ जो यहाँ पे लगभग डांडिया का प्रोग्राम होने वाला है, तो यहाँ पे स्टेज लगा हुआ है चारों तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे तो चलिए कैमरा थोड़ा सा चलते हैं उधर देखकर स्टेज की ओर, तो नीचे हम आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे शो अक्सर को लेकर यहाँ पे डांडिया का प्रोग्राम होने वाला है, तो देख सकते हैं यहाँ पे डांडिया का भी स्टेज लगा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यह स्टेज है जहाँ कैमरा थोड़ा सा इधर घुमाइएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे भाई लोग बैठे हुए हैं। अभी डांडिया का प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ का अभी डांडिया का प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो मैं यहाँ का आपको क्लिप दिखाऊँगा और दिखाऊँगा। यहाँ पे काफ़ी सुंदरता से यहाँ पे सजाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया है इसको पहले से लेकर। और यहाँ पे हमेशा भीड़ तो लगी रहती है, फिलहाल तो आज दशमी का दिन है तो आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे, अभी दशहरे का मौका है तो देख सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं माता के मंदिर की ओर लेकर चलते हैं, तो बताते हैं यहाँ का सजावट और देख सकते हैं यहाँ पे माता की प्रतिमा कितनी सुंदर यहाँ पे स्थापित हुई है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भरे हुए हैं हमारे भाई साहब हैं। तो देख सकते हैं हमारे भैया यहाँ पे इस वैष्णो धाम मंदिर में ही यहाँ सदस्य हैं और माता की सेवा में ये भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। तो भैया कहिएगा दो शब्द माँ दुर्गा के बारे में, तो यहाँ पे आकर मतलब शामिल होकर इस सदस्य में कैसा लग रहा है आपको और आपका नाम क्या है? जाना आपने तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं धीरज वर्मा आपसे विदा लूँगा और दिखाऊंगा यहाँ का बहुत सारा कंटेंट और दूंगा यहाँ का ब्लॉग, तो बने रहिएगा इस वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ लास्ट तक। अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम अरे तो अंकल अंकल कमरे में बंद
सभी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे जल्द से जल्द। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।